एनडीए में सीटों का समझौता होने के बाद कल जब सब कुछ अनाउंस हो गया बस उम्मीदवार छोड़कर, तो ऐसे में महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजती जा रही है। जहां टाइम बॉम्ब चुनाव का एक तरफ टिक टिक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो घटक दल हैं उनके डिमांड्स सिरदर्द बढ़ा रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव के। अब इस सिरदर्द में कहीं कुछ हद तक कांग्रेस भी आ गई है। कांग्रेस ने अपने 11 सीटों पर अपनी मुहर लगा दी है। आलाकमान ने 11 सीटों के लिए हामी भर दी है। अब इक्का दुक्का सीटों के लिए वो आरजेडी से के साथ बैठकर विचार विमर्श करके अपने प्रत्याशियों को बिग बोरो कर सकती है, मगर मामला फंसा हुआ है। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कह दिया कि मुझे 4 से 5 सीटें चाहिए, अब गेंद जो है वो आरजेडी और कांग्रेस के पाले में है। आरजेडी कांग्रेस कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को चुनाव लड़ने की अब बेचैनी शुरू हो गई है, क्योंकि इन दोनों ने आपस में सेटिंग कर ली है। कहा जाए तो कांग्रेस को जो 11 सीटें मिल रही हैं उस पर उसके आला कमान यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी काफ़ी संतुष्ट हैं। वही बात की जाए तो अखिलेश सिंह, जिन्होंने राजद और कांग्रेस के बीच एक कड़ी का काम किया था, उन्होंने अपनी काम कुशलता से कर दिया। कल वो फिर एक बार लालू यादव से मिलने गए थे और ये बताने गए थे कि सब कुछ ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रथम चरण के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करने जा रहे हैं। मगर इन सब पर विराम लग रहा है, क्यों? क्योंकि जीतन राम मांझी ने खूंटा गाड़ दिया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमको 5 सीटें चाहिए और ये रालोसपा से अधिक होनी चाहिए। रालोसपा को 3 सीटें दी जा रही हैं महागठबंधन में, और रालोसपा इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि रालोसपा अभी अंतःकलह से गुजर रहे हैं। जहां एक तरफ बात की जाए तो रालोसपा के अध्यक्ष जो हैं वो अपनी ही पार्टी के सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ अभी खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं सीटों को लेकर सबसे छोटा दल अगर कहा जाए तो उन्हें बनाकर रख दिया गया है, क्योंकि वो खुद बोल नहीं रहे हैं और उनकी तरफदारी करने के लिए कोई सामने आ नहीं रहा है। ऐसे में जीतन राम मांझी को सबसे सॉफ्ट टारगेट वही दिख रहे हैं। अब बात करते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन का आज दिल्ली में मैराथन फिर से मीटिंग शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव को दिल्ली बुला लिया गया है। तेजस्वी यादव ने कल ट्वीट किया था, ट्वीट करके उन्होंने लिख दिया था कि सभी को महागठबंधन में बड़ा दिल लेकर चलना पड़ेगा और इस बड़े दिल के कारण ही आप महागठबंधन में रह सकते हैं और आगे चल के नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा जा सकता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मतलब जो उपदेश आरजेडी ने दिया है वो बाकी दलों पर तो लागू होता है, मगर आरजेडी क्या खुद सीटें छोड़ने वाली है? ऐसा जीतन राम मांझी दबी जुबान में ही कह रहे हैं और यही बातें दिल्ली में भी होंगी। दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव को कांग्रेस के सामने बैठना होगा, यानी कि इस आला कमान जो है कांग्रेस का राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने बैठना होगा और ये बताना पड़ेगा कि जीतन राम मांझी को रखना है या हटा देना है, क्योंकि अब क्रंच टाइम है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 400 सीटों पर अपनी तैयारी कर ली है और अगर बातें नहीं बनेंगी तो यहाँ से बातें बिगड़ेंगी। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर देगा, यहाँ तक कि उतारना शुरू भी कर दिया है कांग्रेस ने। मुंगेर ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि अब अनंत सिंह की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। वहीं कई सीटों पर अब प्रत्याशी अपनी तैयारी करने के लिए क्षेत्र में जा चुके हैं। ऐसे में आरजेडी को सबसे बड़ा घाटा हो रहा है। आरजेडी अभी तक अपने प्रत्याशियों को हेड स्टार्ट नहीं दे पाई है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए में लगभग सभी प्रत्याशियों को पता चल चुका है कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है, इसलिए वो अपने जिला में अपने क्षेत्र में अपने लोकसभा सीटों पर जाकर अपने लोगों से मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे आगामी चुनाव को हैंडल करना है। अब यही काम कांग्रेस कर रही है, मगर आरजेडी रालोसपा वीआईपी और बाकी जो दल हैं मांझी इंक्लूड करके, ये अभी तक न समीकरण बना पाए हैं और न ही इनके पास कोई ऐसा समीकरण है, ऐसा कोई रास्ता है जिसकी वजह से इनका समीकरण बन पाए। मगर फिलहाल एक बात स्पष्ट हो गई है, आज एक बड़ा फैसला हो सकता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठकर ये सोचेंगे और मंथन करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस महागठबंधन में जीतन राम मांझी को जगह देना चाहते हैं या नहीं। जो भी होगा आज ही होगा, आज सब कुछ स्पष्ट होना तय है, इसलिए क्योंकि क्रंच टाइम है। इसी समय में महागठबंधन को आम आए बजट आ जाए करना होगा। अब जीतन राम मांझी को भी कहा जाए तो ये ट्वीट जो था वो जीतन राम मांझी को भी डायरेक्टर था कि भैया आप अपने अहम को अहंकार को छोड़ दिया। जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी का स्टैंड क्या है, तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनका जनाधार कांग्रेस और रालोसपा से ज़्यादा है बिहार में, ऐसे में उनको दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे की बात की तो उन्होंने कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक समीकरण बनाने के लिए 3-4 सीटों का एक फॉर्मूला बताया था, मगर जीतन राम मांझी ने उनकी बात काटते हुए भी कहा कि 5 सीटें कम से कम चाहिए हमें और 5 से कम सीटें मिलेंगी तो जीतन राम मांझी चुनाव नहीं लड़ेगा, हम चुनाव नहीं लड़ेगा। हो सकता है कि हम बाहर से सपोर्ट कर दें मगर हम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे इस महागठबंधन के चुनाव में। अब देखते हैं, बहुत नज़दीक है सब कुछ, हो सकता है कि 2 से 3 बजे के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो और सब कुछ
स्पष्ट कर दिया जाए। अब एक ही यहाँ पे सवाल उठता है, क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहेंगे या उन्हें निकाल दिया जाएगा। बने रहिए न्यूज़ बिहार, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।